भैया इतनी बड़ा तो कैसे ही फिलहाल हम निकल चुके हैं पुनीत भाई राहुल को ढूंढने के लिए। दीपक भैया आराम से चलाओ यार रोड पे, देखता जा रहा हूँ ना मैं। हाँ बिना दीपक भैया थोड़ी गाड़ी वगैरह सीख रहे हैं अभी, ढंग से चलानी नहीं आती, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई स्लो चलाओ। लेकिन भाई अभी दिन है तो आसानी से पुनीत भाई मिल सकते हैं, और वैसे लोकेशन वगैरह चेक कर लेते हो राहुल का फोन। भाई हम दिन के टाइम पे ना सही निकल गए, क्योंकि रात को तो कैसे ढूंढ पाते हैं उनको। हाँ सही कह रहे हो यार, सही हम निकल गए। और पुनीत का तो फोन मेरे पास ही है, लोकेशन तो राहुल की पता लग सकती है। भाई नेटवर्क ही तो नहीं आ रहा, दिक्कत तो ये हो रही है यार भैया। तो राहुल को ऐसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, वो उस जगह से निकलता है भाई नेटवर्क आ गए तो जल्दी से लोकेशन ट्रैक कर लो, और भाई सीधा वहीं चल लेंगे हम। भैया लोकेशन आ गई यार, सही हुआ। ये देखो 5.8 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 13 मिनट चले फिर। हाँ चलो जल्दी चलते भाई, के इस लोकेशन के आसपास घर वगैरह नहीं दिखा रहे, देखो ग्रीन ग्रीन सा एरिया दिखा रहे हैं यार भाई। वो तभी उसको वहाँ ले गया। हाँ कोई उनको देख वगैरह ना ले यार, सुनसान इलाका ना भाई, वो इसलिए ले गया। और भाई राहुल के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए जल्दी चलते भाई इस लोकेशन पे। भाई काफी देर बाद नेटवर्क एरिया में आया भाई, थोड़ी सी लोकेशन इनकी हिली है, नेटवर्क इशू वापस ना आ जाए यार। इस मोड पे दिखा रहे भाई लोकेशन, भाई ये देख कैसा इलाका है। ओ यार भाई सामने स्कूल है, और भाई ये सारा जंगली इलाका। भाई लोकेशन तो नहीं हटी ना, देख। नहीं भैया नहीं हटी भाई लोकेशन। भाई साहब यार खेत साइड पूरा जंगल, दोनों साइड जंगल ही है यार। भाई ऐसी चीज कर रहे जो किसी को पता ना लगे, सबसे हटके। उस दिन ये पूजा कर रहा था, कुछ कर रहा था, शैतान की पूजा कर रहे थे। राहुल की भी चिंता है, उसकी भी है। पुनीत भाई के अंदर तो एंटर हो गए, पुनीत भाई को अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है यार। इधर भैया इधर मोड़ना है, यही लोकेशन है, इधर मोड़ना भाई, जान दो अंदर आराम से भाई। पूरा जंगली इलाका यार, पूरा जंगली लग रहा है यार, कसम से यार। कैसा सा रास्ता है, आराम से निकालो यार, भैया आगे नहीं जाना चाहिए, वो इसी साइड है, हमें उतरना चाहिए यार। उतर के देखते हैं। अरे यार लोकेशन अटकी अटकी। हाँ यार उतरी यार, यहाँ तक आए भी यार उतरी। जल्दी चलते यार, इनको मिल जाएंगे, उतरो यार जल्दी, यही गाड़ी खड़ी कर दो। तो बस गाड़ी तो यहाँ पे लगा दी है भाई, आगे की तरफ जा रहे हैं। कोई सब यार इतना बड़ा जंगल है पूरे, हर जगह ये पेड़ ही पेड़ काटे वाले यार, कहाँ ढूंढेंगे इनको हम। जहाँ तक रास्ता है ना, हाँ जहाँ तक रास्ता जा रहा है उसी साइड चलते हैं। सामने से क्या चल के गया, वो आगे रोड पे ही है, दिख रहा है मोर है भाई, मोर है मोर भाई। मेरे को लगा कोई जंगली जानवर है भाई, ये पेड़ कैसे गिरा हुआ यार यहाँ पे भाई, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है यार, कोई चीज ना आ जाए सामने। जो है यहाँ का तो कुछ पता भी नहीं, यहाँ कोई बड़ा जानवर आ जाए सामने, क्या निकल जाए। और रात भी होने वाली है भाई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, सूरज डूब गया बिल्कुल। गाइस दो रास्ते निकल रहे हैं, एक यहाँ जा रहे हैं और एक ही बिल्कुल अंदर घने जंगल में। और भाई ये होंगे भी यहीं पे मेरे ख्याल से, क्योंकि खुले में ये जो अपना रिचुअल है पूरा नहीं कर सकते। अंदर चलते हैं भाई, चलते इनको ढूंढना तो है यार, बिना ढूंढने नहीं जा सकते, इतनी दूर तक आया तो भाई जाना पड़ेगा अंदर हमें। भाई मैं इधर उधर कैमरा घुमा रहा हूँ भाई, अगर कोई चीज कैप्चर होती है तो। यहाँ पे जंगली जानवर भी है, मतलब है भाई यहाँ पे पक्का है, आगे पानी भरा हुआ है। बस थोड़ी साइड में चलते हैं, यहाँ से निकल रहा होगा रास्ता, हो सकता है भाई साहब। भाई यार मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है यार, लोकेशन मिल जाती है ना गलत टाइम पे चली गई लोकेशन भी। गाइस काफी देर हो गया यार उनको ढूंढते हुए, मुझे कट्टा लगता है, खुका से गिर भाई पेड़ सामने। तो गाइस फिलहाल अभी पूरी रात हो चुकी है, अच्छे से पूरा जंगल हमने एक्सप्लोर कर लिया भाई, पूरा ढूंढते ढूंढते इतनी रात होगी और इतनी आवाज आ रही है ना दूर दूर से चलने की, यहाँ से देख भाई जैसे रात होती जा रही है वैसे चलने चलने की आवाज आ रही है, शाम को इतनी नहीं आ रही थी यार। इधर चलो भाई यार, इतने गहरे जंगल में आ गया शाम से, वापिस कैसे जाएंगे यार। सामने तारे वगैरह आ रही है मेरे ख्याल से, आगे रोड निकलेगा। वो कौन है सामने, राहुल पेड़ पे भी क्या कर रहा है राहुल के साथ पुनीत भैया, दूसरे बेस में पुनीत भैया मेरे ख्याल से। ओ भाई भाई साहब आवाज सुन रहा है, नीचे उधर नीचे उधर नीचे भाई, कहाँ जा रहा है, नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ, नहीं कहाँ कहाँ जा रहे भाई। भाई भाई साहब वो शैतान की मूर्ति लग रही है मेरे ख्याल से, तो मारेगा।
भाई साहब उल्टा कूद रहे भाई। भाई साहब गड्ढा खोद रहे यार, क्या करे भाई वो साहब तेरे कैसे बचाए यार। और बंदे लाने चाहिए थे भाई, हमें गलती कर दी आके दोनों ने। क्या पूछ रहे हैं भाई से आखिरी इच्छा भाई, भाई मेरे ख्याल से गड्ढा इसलिए खोद दे भाई, वो समाधि स्मृति कुछ बनाने के लिए इसको गाड़ेंगे यार वहाँ। बुलाएं किसी को, बुलाएं भाई, बुलाना चाहिए यार। भाई रस्सी खोल रहे हैं भाई, अबे क्या करे भाई, अभी तो देख ही सकते हैं अगर फंस गए तो भाई हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अबे क्या करे यार, कुछ तो करना पड़ेगा, फ्लेम थ्रो रहा है अपने पास। भाई मुझे ना इसका खेल समझ आ गया, इसको ना खुद से नहीं मार सकती इसलिए गाड़ रही है भाई। हाँ सही कह रहे हो भाई, इसको मेरे ख्याल से कोई शराब मिला होगा कि खुद से नहीं मार सकती इसलिए जिंदा गाड़ रही है, गाड़ रही है ताकि वो मर जाए ऐसे। हाँ और ये इसकी खुद की शक्तियाँ बढ़ जाए भाई उसको मार के। भाई सही कह रहे हो भाई, राहुल को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा यार, जल्दी से कुछ सोचो यार। यार क्या करें, लेकिन गार्ड देना उसके बाद हम उसी टाइम जाके निकाल सकते हैं उसको। लेकिन भाई पुनीत भाई कैसे जाएंगे फिर, देख लेंगे उसको। चल देख बेहोश हो गया, उठ भी नहीं पा रहा भाई, राहुल पूरा वगैरह में कर रखा है यार, उसको बिल्कुल भी भाई उस शैतान के जो वो है उसका आगे बैठा हुआ भाई, पूरा लिटार के उसकी समाधि वगैरह कुछ बनाएगा भाई, यहीं पे गाड़ेगा, मोमबत्ती चल रही है यार बिल्कुल सर के पास भाई, जैसे ही जाएगी उसी टाइम निकाल देंगे। भाई गाड़ दिया भाई, शक्ल नहीं दिख रही उसकी। सीट उठ गई भाई, भाई आसमान में क्या कर रहे हैं, आसमान में अबे खो गया, अभी मेरे सामने खो गया, सामने से गायब हो गया। ओ भाई भाई साहब जल्दी जल्दी चला जा, ओ भाई साहब हाथ से खोलना पड़ेगा राहुल को, भाई साहब पूरी मिट्टी, जल्दी खोद भाई। भाई वो चप्पल वो ले क्या, कस्सी ले क्या, भाई कस्सी ले गया, रुको जल्दी कुछ होना जाए यार, कस्सी की सड़ जी भाई, डंडा ये रहा भाई, जल्दी चलते उठा भाई। दीपक भैया भाई निकल गया राहुल, राहुल राहुल ठीक है, राहुल होश में है, ठीक है भाई राहुल, राहुल यार मिट्टी वगैरह झाड़ दो, इसको लेके जाना पड़ेगा, सही टाइम पे आ गया भाई, होश में नहीं है, इसको लेके जाना पड़ेगा भाई। चल भाई काफी दूर है गाड़ी, रात भी होगी यार, जल्दी चलना पड़ेगा। भाई शैतान की पूजा कर रहे थे भाई, मेरे ख्याल से शैतान की कब्र है वहीं पे, राहुल को गाड़ रहे थे